अस्सलाम वालेकुम। हेलो डियर फ्रेंड, मेरा नाम हफीज़ वसीर, वसीर मार्केट चैनल पर तमाम दोस्तों को एक दफ़ा फिर वेलकम करता हूं। डियर फ्रेंड, आज का हमारा टॉपिक बेयरिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न। फ्रेंड, एक ये बहुत ज़बरदस्त कैंडलस्टिक पैटर्न है, आपके चार्ट पे कहाँ पे मिले तो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है और आप इसको किस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो चले फ्रेंड इसको हम डिस्कस करते हैं। तो फ्रेंड, सबसे पहले आप ये आपने देखना है कि ये आपका रिवर्सल पैटर्न है, जो आपके चार्ट के बिल्कुल आपके टॉप पे बने तो ये आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा, वहाँ पे ये काम करता है। तो फ्रेंड, जैसे ही आपका बुलिश ट्रेंड चल रहा होता है, बड़ी बड़ी कैंडलें बन रही होती हैं, तो अचानक एक छोटी सी कैंडल बनती है जो गैप के साथ बनती है, तो जो आपको आइडेंटिफाई करवाते हैं कि अभी जो है बेयरिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न जो है वो तैयार होने जा रहा है और आप एक अच्छी ट्रेड ले सकते हो। क्योंकि फ्रेंड, आप बड़ी कैंडल के साथ जब आपकी बड़ी बड़ी किसी भी डायरेक्शन में बड़ी बड़ी कैंडलें बन रही होती हैं, तो ट्रेडर यही समझते हैं कि अभी ये ट्रेंड आगे चलेगा और लंबा चलने वाला है, क्योंकि अभी मार्केट में ज़्यादा वॉल्यूम आ रहा है और बड़े लोग इसमें इन्वॉल्व हैं और बड़ी बड़ी कैंडलें बन रही हैं। लेकिन अचानक एक टॉप पर आपको एक छोटी सी बेयरिश कैंडल मिलेगी, जो एक बड़ी बुलिश के साथ एक छोटी कैंडल होगी, जो आपको इंडिकेट करेगी कि यहाँ पर आपका जो बुलिश ट्रेंड है वो ख़त्म होने वाला है और नया ट्रेंड जो है वो आपको रिवर्सल एक बेहतरीन पैटर्न मिलने वाला है, जो आपको एक अच्छी ट्रेड दे सकता है। तो फिर जैसे फर्स्ट है कि ये एक लंबी कैंडल आपको आपके टॉप पे मिलती है, तो अचानक यहाँ पे आपको एक छोटी कैंडल मिलती है जो बेयरिश कैंडल होती है, जो आपकी बुलिश कैंडल का 25% होती है। तो आप इससे अंदाज़ा कर सकते हैं कि जहाँ पर वो भी आपके टॉप के आपके जो चार्ट है, आपका ट्रेडिंग चार्ट है, उसके टॉप पर बने और टॉप के साथ एक छोटी कैंडल वो भी बेयरिश में बने, जो बड़ी कैंडल का 25% हो और गैप के साथ जब बनती है, तो आप को इसका पैटर्न को आइडेंटिफाई करने में आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होगी। आप समझ सकते हैं कि ये बेयरिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न है जो वहाँ पे आपको मिलता है। तो वहाँ पे अगर आप इस पे ट्रेड करते हो तो आपको एक लंबा प्रॉफिट मिलता है। तो फ्रेंड, इसको मज़ीद हम इस पे चार्ट पे मज़ीद देखते हैं। तो फ्रेंड, यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास जो चार्ट अवेलेबल है वो यूएस ऑयल का है और डेली टाइम फ्रेम है। तो यहाँ पे ये हमें एक कैंडल मिल रही है, वो आप देख रहे हैं कि आप बिल्कुल टॉप पे है और ये एक छोटी कैंडल है, जो बड़ी कैंडल के साथ एक छोटी कैंडल जब बनती है, तो आप इससे अंदाज़ा कर सकते हैं कि एक 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 तो आपने देखना है कि ये क्या आपके चार्ट के टॉप पे बनी है, आप देखेंगे टॉप पे बनी है। दूसरा, इसके बाद जैसे ये बनती है गैप के साथ, तो आपको एक लंबा ट्रेंड मिलता है। आप देख रहे हैं कि कितनी तेज़ी के साथ नीचे मार्केट डाउन में इसका जो ट्रेंड चलता है, और आप ये डेली का है, आप यूँ समझ सकते हैं कि 2-3 महीने का ये आपको एक अच्छा ट्रेंड जो है वो बेयरिश में मिलता है। लेकिन ये बहुत कम मिलता है, लेकिन आपको ज़्यादातर स्टॉक में या इंडेक्सेस में आपको ये पैटर्न मिलेगा, और जहाँ पे भी ये आपको पैटर्न मिले तो जितना टाइम फ्रेम बड़ा होगा आपको उतनी ही कैंडल मैक्सिमम प्रॉफिट देगी और आप लंबे अरसे तक यहाँ पे ये ट्रेड को होल्ड कर सकते हो, यहाँ से प्रॉफिट बना सकते हो। तो सबसे मेन काम चीज़ क्या है फ्रेंड इसमें, कि आपने इसको ढूंढना है और आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। आपको जिस टाइम फ्रेम पे भी ये मिलेगा आपके लिए ये अच्छा होगा, आपके लिए एक अच्छा काम करेगा और प्रॉफिट आपको देगा। तो फ्रेंड, ये हमारा एक आज का बेहतरीन टॉपिक था। हमने कोशिश की अपने तजर्बे के हिसाब से, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, अपने नॉलेज के हिसाब से कि मैक्सिमम बेहतर से बेहतर इसको डिस्कस करें। बाकी माशाल्लाह आप पढ़े लिखे हैं, हमसे बेहतर जानते हैं और आप एक अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हो और आप इस पैटर्न को बेहतर से बेहतर ढूंढ सकते हो, मैक्सिमम प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो हमेशा की तरह हम बताते हैं कि हमारा यहाँ डिस्क्लेमर मौजूद है, जो नए दोस्त हैं उनको चाहिए कि पहले लर्निंग करें, प्रैक्टिस करें, अपने आप को बेहतर से बेहतर करें, ताकि जब वो लाइव मार्केट में आए तो नुकसान करने से। तो हम चाहते हैं कि आप जब भी इस मार्केट में आए बिल्कुल फुल तैयारी के साथ आए, आप इस तरीके से आएँ कि आप एक बिज़नेस स्टार्ट करने जा रहे हो, पूरी प्लानिंग के साथ आए। जब प्लानिंग के साथ हो गई तो आपको लर्निंग करनी होगी, लर्निंग के बाद आपको प्रैक्टिस करनी होगी, प्रैक्टिस के बाद फिर जब आपको श्योर करें कि अभी मैं लाइव मार्केट में आ सकता हूँ, तो तब मैं आए, ताकि आपके जो अकाउंट हैं उनको वॉश करने से आप बचा सकें, आप मैक्सिमम नुकसान से बच सकें और प्रॉफिट में जा सकें। तो फ्रेंड, यहाँ पर हमारा व्हाट्सएप मौजूद है, कोई सवाल हो इस वीडियो से रिलेटेड हमसे पूछ सकते हैं। हमारा फेसबुक मौजूद है, उसको लाइक करें, और जो नए दोस्त हैं हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जो हम आपके लिए बड़ी मेहनत के साथ ये ट्यूटोरियल बना रहे हैं, टाइम पे आप तक पहुँचे और आपके अच्छे अच्छे मशनों से हम मज़ीद अच्छा करने में कामयाब हो सकें और आप भी इसे मैक्सिमम फ़ायदा उठा सकें। तो फ्रेंड, इंशाल्लाह नेक्स्ट मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा।